बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरतसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 26, सम मेजर इकोसिस्टम। सम मेजर इकोसिस्टम्स के अंदर हमने बेसिकली स्मार्ट सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जो पहला टॉपिक होगा दैट इज द फ्रेश वाटर लेक्स, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन मेनली हमें जो है वो इकोसिस्टम का पता होना चाहिए, और इकोसिस्टम में भी स्पेशली जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अपने इस टॉपिक को आगे कैरी ऑन कर सकेंगे। तो आइए अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। इकोसिस्टम के अंदर डियर स्टूडेंट्स मेनली दो मेन चीजें होती हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। मीन टू से जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपके पास ऑल ऑर्गेनिज्म आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास वाटर आ जाता है, एयर आ जाती है, एंड सॉइल एंड समथिंग एल्स। ये सारी चीजें जो है एबायोटिक, और दूसरी जो है वो आपके पास बायोटिक। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि बायोटिक थिंग्स का एबायोटिक थिंग्स के साथ जो है वो रिलेशन क्या है, किस तरह वो उसके अंदर रह रहे होते हैं। बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में पढ़ना है, उनके वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, और उसमें रहने वाली जिंदगी के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर, दैट इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वा का मतलब होता है वाटर, सो इट्स मीन कि ऐसी लाइफ जो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी। वाटर क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन उसके अंदर मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, वो कौन सी होगी? बायोटिक। तो इन दोनों का आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन जो है आज हम पढ़ेंगे। सो वाटर जो है आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, ऐसा वाटर जिसमें साल्ट जो होता है वो कम होता है। मिसाल के तौर पर जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर हैं, नहरें हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, स्ट्रीम है, वो सारी किसके अंदर आती है? फ्रेश वाटर के अंदर। लेकिन जब हम मैरीन की बात करते हैं, समंदर की बात करते हैं, तो आपके पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। तो पानी को हमने दो हिस्सों में, दो मेन इको सिस्टम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। सो जो सबसे बड़ा इको सिस्टम है इस पूरे कुर्रा अर्ज पर, वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? मैरीन इकोसिस्टम। वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है लाइफ की, और उसके बाद 1% आपके पास क्या है, दैट इज द फ्रेश वाटर। मैरीन जो है वो 70% है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमने मेनली फ्रेश वाटर के बारे में बात करनी है। देख लें, फ्रेश वाटर में जो पहला लेक्चर है वो है फ्रेश वाटर लेक्स। लेक्स क्या होती हैं? लेक बेसिकली किसको बोलते हैं? जहां पर पानी इकट्ठा हो जाए, यानी कि गहरी, ऊपर से पानी आने वाला किसी एक गहरी जगह पर इकट्ठा हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है? लेक कहलाती है। अब आप देखेंगे ये जो लेक्स होती हैं, ये कुछ बड़ी लेक्स हैं, कुछ छोटी लेक्स होती हैं, कुछ चौड़ी होती हैं, कुछ गहरी होती हैं। मतलब क्या है कि इनको आप जो है वो डिफरेंट तरह से, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अब उसके अंदर आपको ये दिखते भी डिफरेंट लगती हैं। क्यों? बेसिकली ये वेरी कर रही होती हैं किस चीज़ पर, कुछ गहरी होती हैं, कुछ कम गहरी होती हैं, ये वेरी करती हैं, वेरी इन डेप्थ। पहली बात है कि कुछ आपके पास लेक्स गहरी होंगी, कुछ कम गहरी होंगी, ठीक है। उसके बाद साइज, वही बात, कुछ लेक्स बड़ी होंगी, कुछ लेक्स जो हैं वो छोटी होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। कुछ लेक्स जो हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या कि उनमें पानी जो है वो ऐसे इलाकों से आ रहा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाए। मतलब क्या कि वहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स जो हैं उसके अंदर ऐड हैं, मतलब खेतों वाले इलाकों से आ रही हैं। ऊपर कहीं अगर पहाड़ों पर किसी जगह पर आपने कल्टिवेट किया हुआ, तो उससे आ रहा है पानी। सो ये डिपेंड करता है कि लेक के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स जो हैं वो कितने हैं, मतलब उसमें पानी कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, बेसिकली ये डिपेंड इस पे कर रहा होता है। तो जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है इसको देखते हुए भी लेक्स जो हैं वो आपके पास वेरी करती हैं। कुछ किस कुछ के अंदर ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और कुछ के अंदर कम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। फिर हमने ये देखना है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो लेक है इसमें डिफरेंट टाइप की जोन्स पाई जाती हैं। जोन्स कौन कौन सी हैं? एक आपके पास लिटोरल जोन होती है, दूसरी कौन सी आपके पास? लिमिनेटिक जोन्स होती है, और तीसरी जो है वो प्रोफंडल जोन होती है। अब ये जोन किस तरह से बनती हैं? जोन बेसिकली क्या है? इलाका। अब लेक के अंदर भी फर्दर क्या है? कुछ इलाके मौजूद होते हैं, पर्टिकुलर रीजन्स मौजूद होते हैं, उनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? देखें, लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन। अब लेक जो है उसके अंदर
जो लाइफ है, जो उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिपेंड करते हैं उसमें किस किस जगह पर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। और वो चीजें क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, एक है आपके पास लाइट, लाइट को देखते हुए भी जो है वो लाइफ जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे ऑब्वियस सी बात है वहीं पर लाइफ जो है वो ज्यादा होगी, जहां पर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे लाइफ कम होगी। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी क्या है लास्ट में हमारे पास, साइट ऑफ प्लांट अटैचमेंट, प्लांट को अटैचमेंट के लिए नीचे से जो है वो जमीन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन मेन चीजें हैं जो लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक लेक के अंदर अपना अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। और इन्हीं तीन चीजों को देखते हुए इनके अंदर तीन मेन जो हैं वो जोन बनती हैं। और वो कौन कौन सी जोन हैं, सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक लेक मैंने बनाई है, इस लेक के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, बेसिकली ये बॉटम है आपके पास किसका, लेक का। तो इसके अंदर क्या है, मट्टी प्रेजेंट है। ठीक हो गया, अब हमने ये देखना है कि इसको हमने फर्दर डिवाइड किस तरह से करना है। जो पहली आपके पास जोन है ना वो कौन सी है, दैट इज द लिटोरल जोन। लिटोरल का मतलब ही क्या है, किनारा, यानी कि ऐसी जगह जो बिल्कुल किनारे के साथ हो वो आपके पास क्या कहलाती है, लिटोरल जोन कहलाती है। अब लिटोरल जोन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, लिटोरल जोन में आपके पास प्लांट्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि यहां पर इनको जो है नीचे साइट ऑफ अटैचमेंट मिल रही है, जड़ें मिल रही हैं। लेकिन इसमें देखें दो तरह के प्लांट है, एक आपको जो है वो पार्शली सबमर्ज दिखेंगे और क्योंकि ये आधे आधे बाहर हैं और आधे अंदर हैं, और जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये फुली सबमर्ज है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, आपके पास ग्रास हो सकती है, हाइड्रोफिटिक प्लांट यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं उसकी एग्जांपल जो है सबमर्ज में आपके पास जो है वो वाटर लिली आ जाती है, कमल का पौधा आ जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक जो बिल्कुल किनारे के साथ साथ होंगे जहां पर शैलो वाटर होगा, कम वाटर होगा, थोड़ा बहुत पानी होगा और वो पार्शली सबमर्ज होंगे, और एक वो हैं जो फुली सबमर्ज हैं, ज्यादातर यहां पर जो है वो एल्जी ग्रो कर रही होती है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस जोन के अंदर क्या एनिमल्स भी प्रेजेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर प्लांट्स होंगे वहां पर ऑटोमेटिकली एनिमल की डाइवर्सिटी भी जो है वो ज्यादा होती है। और एनिमल्स में आपके पास कौन से आते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, यहां पर आपको फ्रॉग मिलेंगे, यहाँ पर आपको टर्टल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में आपको यहाँ पर इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, क्रस्टेशियंस वगैरह मिलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लार्वी मिलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, और दूसरी जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पर फूड जो है वो ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर फूड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। इसके फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम लेटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि यहाँ पर छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम प्लांकटोन्स का नाम देते हैं, जो आम आंख से नज़र नहीं आते। प्लांकटोन्स में दो तरह के हैं, एक आपके पास क्या है ज़ूओप्लांकटोन्स और दूसरे कौन से हैं फाइटोप्लांकटोन्स। ज़ूओ का मतलब भी क्या है कि ये एनिमल लाइक होंगे, एनिमल लाइक, और फाइटो का मतलब क्या है प्लांट लाइक। बेसिकली आपके पास ये छोटे छोटे ड्रिफ्टिंग एनिमल्स होते हैं और ये आपके पास क्या है छोटे छोटे ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं, और ये पाए किस जगह पर जा रहे हैं, इस लिटोरल जोन के अंदर पाए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने की जो है वो यूज की है, वो आपके पास क्या है देखें, SENS, सेंस। सेंस से क्या है, इसमें शैलो वाटर होगा, E फॉर इनफ लाइट होगी, N फॉर न्यूट्रिएंट रिच होंगे, एंड साइट ऑफ अटैचमेंट होगी टू द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए साइट ऑफ अटैचमेंट है। तो लिटोरल जोन के लिए आप क्या कर लें, सेंस की की जो है वो याद कर सकते हैं। लिटोरल के लिए जो की है दैट इज द SENS। नेक्स्ट हमने ये देखना है, उसके बाद यहां तक तो आपके पास प्लांट है, ये जो पानी होगा ये क्लोज्ड पानी होगा। इससे आगे जब आप किसी लेक को देखते हैं तो बिल्कुल आपको पानी पानी नजर आएगा, यहां तक आपको पौधे नजर आएंगे, पानी नजर कम कम नजर आएगा, नजर आएगा लेकिन कम, पौधों को ऐसे ऊपर से हटाएंगे तो पानी नीचे से नजर आएगा। इससे आगे जब आप देखते हैं ना तो आपको ओपन वाटर नजर आता है, बिल्कुल खुला पानी है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लिमिनेटिक जोन। डियर स्टूडेंट्स ये जो ओपन वाटर है इसको हमने फिर फर्दर दो में डिवाइड करना है, एक वो जो ऊपर वाली जोन है ये जिसको मैं लाइन के साथ सेपरेट कर रहा हूं, ये ओपन वाटर की ऊपर ऊपर वाली जोन है।
क्योंकि इसके अंदर जो है वो लाइट अभी यहां पर बहुत ज्यादा है। देखिए मैंने लिखा हुआ है टू मच लाइट यहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है ये लाइट को। अब जब लाइट होगी तो इसके पास कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, चूंकि पानी एकदम से गहरा हो गया है। ये देखिए यहां तक तो था आपके पास, ये शोर है ठीक है ना, इससे आगे क्या है, एकदम से डीप नीचे जो है वो गहरी हो गई है, गहराई हो गई है, डीप बनी है, जिससे क्या हो गया कि दो जोन्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक ऊपर वाली, पानी के ऊपर वाली तह, जिसको हमने लेमिनेटिक का नाम दिया, इसमें आपके पास लाइट बहुत ज्यादा है ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है, लो है, इतने ज्यादा नहीं है। यहां पर न्यूट्रिएंट्स कम है, क्यों कम है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिच तो आपके पास ये वाला रीजन था। अब यहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इसके अंदर लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो यहां पर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर फाइटोप्लांक्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। तो फाइटोप्लांक्टोन्स ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अब ये जो फाइटोप्लांक्टोन्स हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सन से लाइट कैप्चर करते हैं और फूड बनाते हैं। इसको कौन खाता है, इसको खाते हैं प्रोटोजोअन्स एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो इसको खा रहे होते हैं। अब देखें इस रीजन के अंदर फाइटोप्लांक्टोन्स भी मौजूद हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ क्रस्टेशियंस मौजूद हैं और प्रोटोजोअन्स मौजूद हैं। अब जब ये इसको खाएंगे तो क्रस्टेशियन जो है वो किसकी खुराक बनेंगे, फर्दर आगे इसको फिश खाएंगी, तो इस रीजन के अंदर फिश भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक फूड चेन भी बन गई है, किस जोन की, लिमिनेटिक जोन की। नेक्स्ट हमने जो पढ़नी है वो आपके पास कौन सी है, दैट इज द प्रोफंडल जोन। यहां पर आपके पास लाइट प्रेजेंट ही नहीं होती, बहुत कम लाइट आप कह लें ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि लाइट वाला रीजन तो ऊपर वाला है, दैट इज द लिमिनेटिक जोन। तो प्रोफंडल जोन के अंदर क्या है, हमने इसके करेक्टर लिखे हुए हैं, लाइट इज एबसेंट, और यहां पर डिट्राइटस, डिट्राइटस का मतलब क्या होता है, मुर्दा जानदार, मुर्दा जानदारों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। जब वो ऊपर से नीचे आते हैं, इट्स मीन सेडिमेंटेशन होती है, उसने नीचे बैठना होता है, तो यहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर फिर ऑर्गेनिज्म भी किस तरह के होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले ऑर्गेनिज्म इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और डिट्राइटस फीडर हम इनको बोलते हैं। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लें, इंपॉर्टेंट है। डिट्राइटस फीडर जो होते हैं वो कौन कौन से, आपके पास बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, उसके बाद स्नेल है, फिश हैं सम, और उसके साथ साथ इंसेक्ट लार्वी जो हैं वो होते हैं, वो इस रीजन के अंदर ज़्यादा होते हैं, ताकि ऊपर से जो कोई मटेरियल आ रहा है, जो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीसेज आ रहे हैं, वो इसके ऊपर फीड करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये आपने टोटल ओवरऑल जो था बेसिकली सारा लेक के बारे में आपने पढ़ लिया है। एक पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि बेसिकली ये न्यूट्रिएंट रिच क्यों होता है। एक तो जो ऊपर से पानी आना है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो इस जगह से गुजर कर जाएगा, और जो मिट्टी होगी वो इस रीजन के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, जो वाटर करंट होता है ना, वो इस तरह से जो सेडिमेंटेशन है, जब चूंकि लेक अगर बड़ी है तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो कश्य शक्ल है, जब 14वीं का चांद होता है, आपको पता होना चाहिए, तो उस रीजन में उस वक्त क्या होता है कि जो ग्रेविटी है ना किसकी, चांद की, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है वाटर को, जिससे ना उसमें करंट्स पैदा होती हैं, पहली बात तो। या दूसरा, जब कभी हवा चलती है तो उसमें छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं, तो ये क्या होता है कि नीचे से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उन वाटर करंट्स को यूज़ करते हुए किस जोन के अंदर आ जाता है, लिटोरल जोन के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से भी इसके अंदर क्या है, ज़्यादातर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, इस वजह से ये ज़्यादा जरखेज होती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो काइंडली लाइक का बटन दबा दें। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।